देखिए, इनकम टैक्स ने सीमा पार से जुड़े 1,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी जांच को तेज कर दिया है। विभाग ने कल भी कई जगहों पर छापेमारी की थी। भारत में रहकर हवाला रैकेट चलाने वाले एक गैंग के मुखिया चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चार्ली को साल 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोपों में गिरफ्तार किया था। उस समय भी उसके पास से नकली पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ये तमाम चीजें बरामद हुई थी। और आरोप ये है कि तिब्बत में रहने वाले चार्ली ने मणिपुर की एक महिला से 2014 में पहले शादी की, उसके बाद फर्जी भारतीय पासपोर्ट उसने हासिल किया। हालांकि 2018 में जब उसकी गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद वो छूट भी गया था और फिर से वो हवाला के धंधे में वापस आ गया है। तो इनकम टैक्स विभाग ने, हम आपको बता दें, कई जगहों पर यहां कल भी छापेमारी की थी और इस छापेमारी में यहां ये कहा जा रहा था कि सीमा से जुड़े, बॉर्डर से जुड़े जो 1,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है इनकम टैक्स विभाग, उस मामले में उसने चार्ली पेंग की यहां पर जिक्र किया। कई जगहों पर छापेमारी के साथ साथ चार्ली पेंग के बारे में अगर हम आपको बता दें तो इसने 2014 में एक मणिपुर की महिला से शादी रचाई थी, उसके बाद इसने फर्जी तरीके से भारतीय पासपोर्ट हासिल किया। 2018 में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद इसके पास से उस समय भी नकली पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम सबके पास, वैसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसके पास मिले थे। हालांकि उस समय भी गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ये छूट गया था और अब ये दोबारा से हवाले के धंधे में वापस आ गया था। अब देखना होगा कि आखिर इनकम टैक्स की जांच किस तरफ आगे बढ़ती है। सीमा से जुड़े इस 1,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हालांकि आईटी विभाग कई जगहों पर छापेमारी लगातार कर रहा है। उसे शक है कि 1,000 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये कई लोगों का हाथ इसमें हो सकता है। साथ ही साथ जो छापेमारी जगह जगह चल रही है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी भवतोष यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। भवतोष, गुड मॉर्निंग, क्या कुछ और खबर आपके पास है? चार्ली पेंग का नाम यहां पर सामने आ रहा है, 1,000 करोड़ रुपए की सीमा से जुड़ी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा का पूरा मामला है। आईटी कहां किन किन जगहों पर छापेमारी कर रही है और क्या कुछ हासिल हुआ है अब तक? देखिए, आयकर विभाग ने अपनी छापेमारी दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में की थी। करीब 2 दिन तक आयकर विभाग की रेड्स और सर्चे चलती रही। उन्होंने ये कहा है कि पूरा का पूरा जो हवाला रैकेट है, इस पर कई चाइनीज नेशनल और चाइनीज एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। करीब 40 बैंक अकाउंट हैं जो कि शेल कंपनी से जुड़े हुए थे और करीब 1,000 करोड़ का इन लोगों ने बिजनेस किया था। शेल कंपनी के थ्रू ये लोग रिटेल सेक्टर में कम से कम भारत में 12 से 14 जगह दुकान भी खोलने वाले थे, इसके बारे में भी आयकर विभाग को पता चला है। इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो उसका नाम चार्ली पेंग है, वो अपने को भारतीय कहता है, लेकिन जो खुफिया विभाग ने जांच की है उसमें ये पता चला है कि वो असली में वो चाइना का चाइनीज नेशनल है। उसका नाम लू सैंग है। लू सैंग तिब्बत से भारत में इलीगली घुसा था नेपाल के रास्ते में 2014 में। उसके बाद इसने भारत में आके इसने एक नॉर्थ ईस्ट की औरत के साथ शादी की थी। इसके पास 2018 में जब ये पहली बार अरेस्ट हुआ था तो इसके पास 2 फेक पासपोर्ट्स मिले थे, 2 फर्जी आधार कार्ड और 1 फर्जी पैन कार्ड मिला था। उस समय की जांच में ये पता चला था कि इसको चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हायर किया था और ट्रेन किया था, और इसको 2 काम सौंपे गए थे। एक काम दिया गया था कि तिब्बत में जाके तिब्बत के जो एक्साइल लीडर हैं दलाई लामा, उनकी कोर टीम में घुस जाए, इसलिए ये हिमाचल प्रदेश, बेंगलुरु और अरुणाचल प्रदेश गया था। और उसके अलावा दूसरा काम ये था कि चाइनीज एम्बेसी ऑफिशियल्स वालों के लिए उनको कोई भी मदद की जरूरत पड़े उनकी मदद करे, क्योंकि केस काफी कमजोर था। इसको पिछले साल बेल मिल गई थी, ये अब फिर से खुफिया विभाग और आयकर विभाग के हाथों में आया है और इसकी जांच चल रही है। आयकर विभाग ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से एक रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि 2018 में इसको स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था। इसके अलावा इनकम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जिससे कि ये देखा जा सके कि क्या इसमें पीएमएलए या मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है कि नहीं। भवतोषी, जो शेल कंपनियों की आप बात यहां पर कर रहे थे, ये जो 40 बैंक अकाउंट हैं जो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे इस रैकेट को ऑपरेट कर रहे हैं, उसे लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है?
देखिए चार्ली पिंग या लू सांग की जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें ये बात साफ पता चली है कि जब वो भारत में 2014 में आया था उसी समय इसको चाइनीज खुफिया विभाग ने इसको ट्रेन किया था फाइनेंस हैंडल करने के लिए। 2014-15 में इसने कम से कम 5 कंपनी सेटअप की थी। ये कंपनियां जो ई कॉमर्स साइट पे हैं उसमें बहुत सस्ते दाम पे सामान बेचती हैं और इस ढंग से ये उनके फाइनेंसेस हैंडल करता था। एक बार जब ये बेल पे छूटा, जमानत पे छूट के बाहर आया तो इसने कम से कम 6 कंपनियां गुरुग्राम में बनाई थी। सारी की सारी शेल कंपनियां हैं, इसमें सिर्फ हवाला का पैसा जो है वो मनी लॉन्डर किया जा रहा है। ट्रांसनेशनल रैकेट इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है और अभी ये शुरुआती जांच में आया कि इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए का इलीगल मनी ट्रांजेक्शन हुआ है। ये अमाउंट कहीं ज्यादा इससे हो सकता है और कुछ चाइनीज कंपनी जो कि रिटेल सेक्टर में घुसना चाहती थी इन शेल कंपनीज के थ्रू, वो भी जांच के दायरे में आ गई। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भवतोष इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।